थी, मेरे बच्चे सो रहे थे और सब हम चार बच्चे हैं, मेरे पति दूसरे मकान पे रह रहा था वहाँ जानवर के लिए, और तीन लोग आए हैं, उन्होंने दो ने मेरे को छेड़ा है, पकड़ा, कुल्हाड़ी उठाई है, पिस्तौल उठाई है और एक बैलगाड़ी का डंडा उठाया उन्होंने मारा है, मेरे छाती पे पिस्तौल लगाई है, बोले कि चाबी दे गेट खोलना है, मैंने कहा नहीं भैया मेरे मालिक ले गए हैं, उन्होंने तारा तोड़ा है, मेरे बच्चे की कुल्हाड़ी लगा दी है गले पे, कह रहे कि जल्दी से दे, शोर नहीं करना, चुप रहो चुप रहो, और उन्होंने मेरे पिस्तौल कनपट्टी पे मारा है और हाथ पे मारा डंडा, कम पीछे मारी है कुल्हाड़ी का बेट, और बच्चे को डर के मारे वह बैठ गई, वो सारे बक्सा उठाया ले गए, जेवर था 30,000 रुपये थे और सब मेरा जेवर था, चांदी के थे, बिछुआ पायल है, हाथ पेटी, दस्तबंद, हाथ फूल, बच्चों की थी सोने की आए, मेरी झुमकी, मंगलसूत्र और चुटकी, मीना, और ये पति को मैंने आवाज़ लगाई, चिल्लाई, मेरे बच्चे रोए, मैं रोई और पड़ोसी भी चिल्लाने, मेरा पति आया, मेरे पति को रास्ते में छेक लिया उन्होंने और मारा, बहुत मारा, कि सारी तीन लोग थे, कच्चा बनियान भी पहने था एक, हाँ शकल पहचानी, पर मैं ये नहीं जानती कि कौन है, किसका घर का है, पुलिस को सूचना दी, 100 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस गई थी, सब ने देखभाल की है, सब ने अपना कार्रवाई की है, जो उनका कार है। ये कोतवाली थाने का मामला है, आज संज्ञान में आया है। आवेदक का ये कहना है कि रात को लगभग 3 बजे उसके घर में कुछ चोर घुसे हुए थे और इस बीच वो लोग जग गए और चोरी में कुछ सामान गया है जिसका उल्लेख उन्होंने किया हुआ है धारा 457 380 इन धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत हो गया हुआ है। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।